नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। एक कहावत आपने सुनी होगी कि करे कोई और भरे कोई, कुछ ऐसा ही हमारा आज का विषय है। क्योंकि गुरुग्राम में नगर निगम अधिकारियों का इतना बड़ा जबरदस्त घोटाला सामने आया है जिसके बाद सभी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। और इस तरह के घोटालों का खामियाजा भुगतना पड़ता है फिर सरकारों को, क्योंकि यहां पर करे कोई और भरे कोई वाली कहावत जाकर फिट जाकर बैठती है। एक एक दुकान के 15-15 लाख रुपए की रिश्वत और कुल मिलाकर 800 दुकानें हैं जिसमें से 150 से ज्यादा दुकानें जो हैं वो दी गई हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए, बहुत गंभीर विषय है। गंभीरता से इस पर चर्चा करेंगे और जवाब मांगेंगे अधिकारियों से। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, पूरे मुद्दे को बहुत बारीकी के साथ समझिए। गुरुग्राम में फटा भ्रष्टाचार बम, अधिकारी कर रहे करोड़ों रुपए हजम, सरकारी नियमों को रखकर ताक पर, एक रजिस्ट्री के ले रहे 15 लाख। एक कहावत आपने सुनी होगी कि करे कोई भरे कोई, कुछ ऐसा ही हो रहा है सरकार के साथ, जहां भ्रष्ट कर्मचारियों की करतूतों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सरकार को। अब साइबर सिटी गुरुग्राम में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार पर निगम की तहबाजारी वाली दुकानों की रजिस्ट्री कराने के नाम पर 15 लाख रुपए प्रति दुकान रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। इस मामले से प्रभावित हुए गुरुग्राम सदर बाजार व्यापार मंडल के प्रधान बबलू गुप्ता कहते हैं कि जिसने पैसे दिए उसकी फाइल पास हो गई और जिसने नहीं दिए उनकी फाइल अटकी हुई है और दरखास्त करने पर ZTO द्वारा मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जाती है। अब सर ये कहते हैं मुकदमा दर्ज करा देंगे आपके ऊपर, किस चीज का मुकदमा दर्ज करा देंगे? कोई गुठली के बेर है क्या? मुकदमा दर्ज करा देंगे आप? ये ZTO साहब ने कहा था, मेरा बेटा गए था और रुपया दिया नहीं, हमारी फाइल 3 से 4 महीने से ऐसे पड़ी हुई है। जिसने पैसे दिए उसका काम हो गया, जिसने पैसे नहीं दिए उसका काम नहीं हुआ। इंक्वायरी खुद करें, विजिलेंस से करवाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीएम साहब ईमानदार आदमी है, यहाँ तो डाकू बैठे हैं, तलवार लेके बैठे हैं। आप सबसे पहले ये जानिए कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम है क्या। पिछले कई सालों से जो लोग निगम की तहबाजारी वाली दुकानों का नगर निगम को किराया दे रहे थे, उन्हें उनका मालिकाना हक देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम लाई गई। जो लोग पिछले कई सालों से निगम की तहबाजारी वाली दुकानों का किराया दे रहे हैं, उन्हें किराया ना भरना पड़े और उन्हें उनका मालिकाना हक दिया जा सके। लेकिन इस स्कीम का फायदा आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार ने इतना उठाया कि प्रति दुकान से रजिस्ट्री के नाम पर मोटी रकम वसूली। हालांकि अब निगम कमिश्नर इस पूरे मामले की जाँच करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि जाँच में जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसमें एक सुनील कुमार क्लर्क के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने कुछ भी किसी भी तरीके से इसके अंदर इरेगुलरिटी यूज़ की है और वो हमारे को थ्रू चीफ सेक्रेटरी जो जांच आई है चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से थ्रू डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज, वो 16 तारीख को चिट्ठी आई थी और उसके साथ कंप्लेंट नहीं थी डिटेल में, तो वो हमें 3 दिन पहले प्राप्त हुई है। तो उस पर मैंने, क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए जो हमारे यहाँ सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे एडिशनल कमिश्नर 1, उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो 7 दिन के अंदर एक बार इसकी हमें जांच दे, जांच के बाद फिर जो तथ्य निकल के आए। वही नगर निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा ने ये भी कहा कि नगर निगम की तहबाजारी वाली दुकानों पर लोगों को मालिकाना हक देने के लिए एक प्रक्रिया होती है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि वो प्रक्रिया है क्या। नगर निगम तहबाजारी दुकानों पर मालिकाना हक देने की प्रक्रिया। पहले मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम की साइट पर ऑनलाइन फाइल्स लगाई जाती हैं। फिर क्लर्क द्वारा दस्तावेजों को चेक कर जोनल टैक्सेशन ऑफिसर के पास भेजा जाता है। फिर जोनल टैक्सेशन ऑफिसर अपने स्तर पर दस्तावेजों की जाँच करता है। फिर ZTO ज्वाइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेता है। उसके बाद जोनल टैक्सेशन ऑफिसर द्वारा रजिस्ट्री करवाई जाती है।
और फिर दुकान मालिकों को उनका मालिकाना हक मिल जाता है। और इन सभी नियमों को ताक पर रखकर रिश्वत वसूलते हुए इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर आउटसोर्स कर्मचारी पर प्रति दुकान 15 लाख रुपए की रिश्वत में उच्च अधिकारियों का कितना हाथ, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी इतनी मोटी रकम अकेले हजम नहीं कर सकता, इसलिए उच्च अधिकारियों पर गाज गिरना भी तय माना जा रहा है। फिलहाल निगम कमिश्नर का कहना है कि 7 से 10 दिन में इसकी जांच करवा दी जाएगी और जांच में जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसका नहीं है, आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं वो तो निगम में काम कर ही रहे हैं, बट इसमें दो जो की ऑफिसर्स हैं, एक तो जेटीओ और पहले ज्वाइंट कमिश्नर 2 थे नोडल ऑफिसर संजीव सिंगला, अब जेटीओ हेडक्वार्टर और एडिशनल कमिश्नर जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं उनकी ड्यूटी लगा रखी है कि वो इन फाइलों को प्रोसेस करके भेजें। अगर उस प्रोसेसिंग के अंदर कहीं किसी किस्म की कोई मेलाफ आईडी मिलती है निश्चित रूप से हम उसकी जांच का कितने दिन का समय। वहीं इस पूरे मामले में नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने भी कहा कि मेरे संज्ञान में भी ये मामला आया है और पूरे शहर में इसकी चर्चा है। उनका कहना है कि जो भी इसमें जिम्मेदार होगा, चाहे वो उच्च स्तर का अधिकारी हो या निचले स्तर का, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ इस मुद्दे पर गुरुग्राम से पार्षद सीमा पाहुजा ने कहा कि कुछ अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं जो निगम के हर काम में रिश्वत लेते हैं। और जो ये कार्रवाई चल रही है, जो भी इसमें जिम्मेवार होगा, चाहे वो कोई सा भी ऊंचे स्तर का अधिकारी हो चाहे वो नीचे स्तर का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरा इसका लिया जाएगा। और मैं भी भेजूंगी सीएम साहब को और निगम भी भेजे। नहीं जी, अभी तक तो कोई नहीं है और अभी जो हो रहा है सर्वे चल रहा है कि भी उसके खिलाफ जो भी विजिलेंस कमेटी हो रही है वो आखिरी में जब भी रिपोर्ट आएगी वो आपको बता। कुछ अधिकारियों के कारण सारे ही अधिकारी घेरे में आते हैं, कुछ एक अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, हर उसमें रिश्वत लेते हैं हर मामले में, चाहे वो आप सड़क का कह दिए, कोई लाइसेंस देना हो, कोई आपको काम पास कराना हो, चाहे वो ठेकेदारी से है, सड़क से लेकर हर तरह से हर अधिकारी कोई ना कोई कहीं ना कहीं लिप्त है। गुरुग्राम नगर निगम की तहबाजारी वाली लगभग 700 दुकानें हैं, जिनमें लगभग 180 दुकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। इसमें रजिस्ट्री के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलने के आरोप लगे हैं। फिलहाल जिस आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार पर आरोप लगे हैं, वो नगर निगम के दूसरे विभाग में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जोनल टैक्सेशन ऑफिसर ने अपना तबादला फरीदाबाद नगर निगम में करवा लिया है और जोनल टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश कुमार की आय से अधिक संपत्ति की भी नगर निगम की विजिलेंस विंग जांच कर रही है। जॉइंट कमिश्नर का तबादला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में स्टेट ऑफिसर 2 में हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम में आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उच्च अधिकारियों ने अपना तबादला भी करवा लिया है ताकि उनके ऊपर कोई गाज न गिर सके। अब आप हरियाणा न्यूज के सवाल सुनिए। हरियाणा न्यूज के सवाल, आउटसोर्स कर्मचारी को इतनी पावर दी क्यों गई? अधिकारियों के तबादले के पीछे क्या वजह? आरोपी कर्मचारी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्या निगम अधिकारी कर रहे हैं लीपा पोती की कोशिश? सिर्फ तबादले के पीछे उच्च अधिकारियों की क्या मजबूरी? क्या बड़ी मछलियों को बचाने की हो रही कोशिश? लेकिन देखना ये होगा कि इस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है, सबसे पहले मैं परिचय आपसे कराऊं। हमारे साथ यशपाल बत्रा जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष खटाना जी हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुखबीर तंवर साहब हमारे साथ हैं, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बबलू गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आप अध्यक्ष हैं गुरुग्राम व्यापार मंडल से, और पूरे इस घटना के शिकायतकर्ता माइकल सैनी साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। माइकल जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, जरा समझाइए विस्तार से पूरा मुद्दा। रिपोर्ट के जरिए हमने समझा, लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है और समझ से बाहर है इस तरह की बातें कि केवल एक आउटसोर्स का अधिकारी और इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे दे। माइकल जी, देखिए इस पूरे खुलासे में ना केशव जी, बात क्या है कि आज पहली बार आपके स्टूडियो पे बैठ करके मैं जो है ना इस मामले का, मैं इसकी जांच कराने के लिए मैंने महामहिम उपराज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया है डीसी साहब की मार्फत, और मैंने मांग की है कि एक अधिकारी जो सुपरिटेंडेंट था गुड़गांव में, गुड़गांव नगर निगम में, और जेटीओ का उसको चार्ज दिया हुआ था,
तो पहली बात तो वो चार्ज जो दिया गया था वो किसने दिया और क्या उसकी जो है ना पावर थी कि किस पावर के किस अधिकार से उसको जो है ना वो एक जिम्मेवारी दी गई जेटीयू की। फिर वो जो अधिकारी जेटीयू बन करके पैसे की कलेक्शन अपने जो तीन उसके जो खास थे उनके नाम है नितिन मानव और संदीप। ये नितिन जो है ये जेटीयू साहब दिनेश कुमार के लिए काम करता था, उनके लिए कलेक्शन करता था। नितिन मेन है और इसमें मानव भी, मानव की भूमिका भी पूरी थी। नितिन और सुनील की आपस में कोई बातचीत थी और सुनील से जो कि तनातनी थी तो इनकी आपसी जो है वो सुनील के ऊपर जाके सारा ठीकरा इन्होंने फोड़ दिया। खैर मैं ये नहीं कहता कि सुनील की जांच सुनील की भी हो, मानव की भी हो और नितिन की भी हो, इसमें अहम भूमिका नितिन की है। मैं कहता हूँ स्टेट विजिलेंस में हमारे इतने अच्छे अधिकारी हैं, काबिल अधिकारी हैं। स्टेट ये क्लरिकल पोस्ट के हैं तीनों जिनका नाम बता रहे हैं आप। इनकी पोस्ट एक कंप्यूटर क्लर्क है जो नितिन मैं नाम बता रहा हूँ और संदीप दिनेश का ड्राइवर है जो कि सारी भूमिका इसकी अहम भूमिका है। मतलब 15-15 लाख रुपए क्लर्क मांग रहा है। हाँ और जो मानव है ये भी पब्लिक से लेता था, वो लेके कहाँ पहुंचाते थे सबको पता है ये बात, लेकिन हमारे जो गुड़गांव में कमिश्नर साहब बैठे हैं शायद उनके संज्ञान में नहीं था। अगर उनकी घर की मैं एक बहुत बड़ी बात उठा रहा हूँ केशव जी आपके चैनल के माध्यम से, अगर एक साल पहले की वो मिल जाए तो रात के टाइम बैठ के दिनेश जी आपके पास कौन सी फाइल क्लियर कराने के लिए आते थे। कमिश्नर साहब जो पहले कमिश्नर साहब थे उन्होंने इस मानव को हटा दिया था, सेवा से बर्खास्त कर दिया था, फिर भी दिनेश कुमार जेटीयू साहब ने इसको अपने पास रखा। किस अधिकार से रखा? क्या दिनेश कुमार की पावर कमिश्नर साहब से भी ज्यादा थी? और रखा हुआ था तो सैलरी कहां से देता था? अगर दिनेश कुमार एक ड्राइवर रखता है तो उसकी सैलरी कितनी है जो वो ड्राइवर भी रख सकता है? वो अपने साथ संदीप कुमार को फरीदाबाद क्यों लेके गया? ये बहुत सारे सवाल है। मेरा एक डिमांड थी कि मैं इस मामले की जो कि इन आपसी मतलब जो कर्मचारियों में आपसी जो लड़ाई थी जिसकी वजह से ये मामला उजागर हुआ, मैं कहता हूं इसका लाइट डिटेक्टिक टेस्ट करा लिया जाए इन तीनों कर्मचारियों का। ये जितने भी बड़े मगरमच्छ इसके पीछे छिपे हुए हैं सबके सब सामने आ जाएंगे, इनको जो स्टेट विजिलेंस है अपनी कस्टडी में ले, क्योंकि स्टेट विजिलेंस बहुत काफी है इस मामले के पर्दाफाश करने के लिए, लेकिन हर मामले को सीएम फ्लाइंग आय से अधिक संपत्ति की जांच भी चल रही है विजिलेंस के द्वारा ही ना, जिन जेटीओ का आप नाम ले रहे हैं। जी आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए मैंने मांग की है और मैं ये मांग जांच कराना चाहता हूं कि इस अधिकारी के पास इतने कम समय में 2 से 2.5 साल के समय में असीमित संपत्ति कहां से आ गई। उसकी जो प्रॉपर्टियां हैं उनकी डिटेल में जांच कमेटियों को दूंगा, उनके साथ बैठ के शेयर कर दूंगा जो मेरे पास एविडेंस है, मैं वो भी दे दूंगा उनको, लेकिन मैं जांच पूरी निष्पक्ष चाहता हूं। ठीक है, स्टेट विजिलेंस करे, ईडी करे, एसआईटी करे, इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, कोई भी जांच करे। केशव जी जांच कमेटी जो है ना, मैं कहता हूं कि हमारी स्टेट विजिलेंस में अच्छे अधिकारी जो आए हैं, ईडी से भी आए हैं, सीबीआई से भी आए हैं, आप स्टेट विजिलेंस से जांच कराओ ना कि सीएम फ्लाइंग से। ठीक है, सीएम फ्लाइंग जो है इसमें निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे। बत्रा साहब क्या हो रहा है ये सरकार की नाक के नीचे? के माध्यम से जो प्रधान है सदर बाजार की बबलू जी, उन्होंने एक बात कही कि प्रदेश का मुख्य माननीय मुख्यमंत्री भी बड़े ईमानदार आदमी है और ये चर्चा पक्ष में भी विपक्ष में भी सामाजिक तौर पे भी लोगों के बीच में भी ये चर्चा है कि वो बड़े ईमानदार है और बढ़िया बढ़िया इंसान है और सबको एक जैसा देखते हैं और एक तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। रही बात समस्या की जो अभी 15 लाख रुपए पर दुकान से ली है, देखिए कानूनी प्रक्रिया हर चीज के लिए, एक संवैधानिक रूप में कानूनी प्रक्रिया सबके लिए है। आप किसी की शिकायत करो बिल्कुल तथ्यों के साथ करो और उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई चीज निकल के आएगी तो उसकी मैं चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो कमिश्नर एमपी जी हैं बड़े ईमानदार आदमी है, उससे 100% उनपे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी, लेकिन सिर्फ तथ्यों के आधार पे आप अगर तथ्य ठीक है उनके आधार पे अगर आप शिकायत करते हैं और शिकायत में वाक्य में पाया जाता है, ये मैं इस चैनल से एक बार दोबारा कह रहा हूँ कि 100% उनपे कार्रवाई होगी। अभी जैसे अभी बैठे हुए कार्रवाई तो होगी बत्रा साहब, क्योंकि कार्रवाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है,
सवाल यहां पर यह है कि कार्रवाई तक की नौबत पहुंचती क्यों है? इतनी माइन्यूट मॉनिटरिंग होने के बावजूद भी, प्रशासन पर पूरी पकड़ होने के बावजूद भी अगर ऐसा ऐसा धंधा चल रहा है सर, तो ये बहुत चिंता की बात है। अभी अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आप ये देखिए कि पहले सरकारों के अंदर चाहे कुछ भी एविडेंस हो या कुछ भी बातें होती थी तब कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के टाइम के अंदर आपको देखा होगा फरीदाबाद के अंदर 200 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ, अधिकारियों को जो जो लोग बीच में आ रहे हैं, जिन जिनके नाम आ रहे हैं उसको अरेस्ट करके अंदर डाला जा रहा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जा रही है। और इसके अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरी होकर आ जाएगी उसी टाइम तुरंत अधिकारियों की तरफ से और आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रियां अब नहीं हो रही है। लेकिन बबलू जी, मैं सच्चाई जरा आपसे जानना चाहूंगा, बताइए क्या कुछ है इसके अंदर, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गांव में रजिस्ट्री का रेट एक फ्लैट का 2.5 लाख रुपए, अगर आप 2.5 लाख रुपए देते हो तो फ्लैट की रजिस्ट्री होती है। एक बात और बताना चाहता हूँ, जितनी भी निगम की दुकानें हैं उनके ऊपर कानून के अंदर लिखा हुआ है कोई हाउस टैक्स नहीं है। मैंने कमिश्नर महोदय साहब को लेटर लिखा था, ये लेटर मैं साथ लाया हूँ अपने, इसमें मैंने कहा अगर आप हाउस टैक्स लेते हैं तो आप हमें मलकियत की रसीद दें। आज तक कोई जवाब नहीं आया, मैंने आरटीआई भी लगाई। उसके अलावा एक दिन हमारा दुकान का किराया लेट हो जाता है तो हमें डबल पैसे देने पड़ते हैं, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो। और तीसरी बात, आज 3 से 4 महीने हो गए मेरे को दुकान के पैसे जमा कराए हुए, 6 लाख कुछ हजार रुपए मेरे बने थे, मैंने जमा कराए और मैं चक्कर काट रहा हूं। एक मिस्टर गुलशन आहूजा है, मैं बबलू जी एक बार रोक रहा हूं आपको, मधु आजादी हमारे साथ जुड़ रही हैं, मेयर है गुड़गांव से। मधु आजादी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी, नमस्कार। ये क्या कुछ चल रहा है मैम? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपके संज्ञान में पूरा मामला है, अभी तक जांच कहां तक पहुंची है? जांच काफी हद तक पहुंच चुकी है, 7 दिन का टाइम लिया था जी आहूजा जी ने, हमारे कमिश्नर साहब ने, तो 3-4 दिन में ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसी के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या किससे क्या आरोप लगाया, कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो मधु जी, सब कुछ बाद में ही पता चला, जिस दौरान इतनी सारी चीजें चल रही थी, रेगुलरिटीज थी, उस दौरान कोई निगरानी नहीं थी सिस्टम के द्वारा इन अधिकारियों के ऊपर? नहीं, वैसे तो सिस्टम के हिसाब से ही, क्योंकि जो जिस तरीके से हमारा सिस्टम है निगम का, उस तरीके से ही हम लोगों का सुनने में आ रहा था कि भी हो रहा है, मगर कुछ समय ही बीता था तो एकदम से कई लोगों की ऑब्जेक्शन आई इस विषय पे कि भी इस तरीके की धांधलबाजी चल रही है। तो उसके बाद ही, और फिर हमारे सामने जब आई तो मैंने कमिश्नर साहब से भी बातें करी और उसके बाद में आगे हमने फॉलो करा कि भी ये क्यों हो रहा है थे। तो एक कोई आउटसोर्स का अधिकारी था जो उसको फिर हटाया गया वहां से, तो उस आउटसोर्स के अधिकारी को हमारे सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं कि हटाया नहीं गया, केवल उसका डिपार्टमेंट चेंज किया गया है। अब वो बर्थ सर्टिफिकेट वाला बनाने वाला जो डिपार्टमेंट है उसे वहां शिफ्ट कर दिया गया है, हटाया अभी नहीं गया मैम। अच्छा, नहीं, मैं पता करके बताती हूँ आपको। जी, कुछ क्योंकि पूरा आरोप उस पर सिद्ध नहीं उठा उस समय, क्योंकि लोगों के कहने के ऊपर ही था, तो वो इंक्वायरी चल रही है, अगर वो होगा तो उसको सस्पेंड किया जाएगा, हटाया जाएगा। ये 1 तारीख की, मैं एक एप्लीकेशन भी है मेरे पास जो कि लिखी गई है, 1 जून की है ये, इस पर भी किसी तरह की कोई मतलब संज्ञान में तो मामला डाला ही गया है। अब 1.5 महीने के बाद जब मीडिया में बातें सामने आई हैं तब सब लोग अपनी अपनी जवाबदेही सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो कुछ था ही नहीं मैम। नहीं देखो जी, ये अधिकारियों का मैटर होता है, इसमें मेरे पास किसी की भी कंप्लेंट नहीं आई अभी तक भी, किसी ने मेरे से कंप्लेंट नहीं करी है एज अ मेयर होने के नाते, और करनी चाहिए पब्लिक को कि मेयर से कंप्लेंट करें तो ज्यादा मुझे वो पता चलेगा। मुझे तो जो अखबारों के थ्रू और जो लोगों के थ्रू वैसे ही पता चल रहा है, कहीं पे बैठी हूँ तो किसी ने कह दिया जी वहाँ पे ये हो गया, इस तरीके से कोई पर्सनली मेरे पास नहीं आया आज तक भी अपने कंप्लेंट को लेके। तो मधु जी, आपके अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है और आपकी निगरानी इस बात के ऊपर नहीं है? निगरानी तो देखो, मैंने तो पूरा अपना देख कराया, कमिश्नर साहब के साथ में मैंने बात भी करी है और हमने मीटिंग में भी इस चीज को उठाया कि भी ऐसा हो रहा है तो इस चीज के ऊपर संज्ञान जल्दी से जल्दी लिया जाए, और सीएम साहब तक भी इसकी कंप्लेंट गई है, हमारे आदरणीय राव इंद्रजीत जी के पास भी गई है ये कंप्लेंट, और मैंने खुद बताया उनको भी, सीएम साहब को भी और उनको भी। जो ZTO हैं इनके ऊपर विजिलेंस टीम पहले से आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रही है, जांच कमिश्नर का तबादला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में एस्टेट ऑफिसर 2 में कर दिया गया है, तो वो अधिकारी जो पहले ही सवालों के दायरे में हैं वो एकदम से कैसे तबादले इनके इधर से उधर हो जाते हैं?
देखो जी, ये तो ऊपर चंडीगढ़ से होते हैं तबादले, हमारे सामने तो कोई वो नहीं आता, हमें तो जब पता चलता जब हो जाते हैं। केशव जी कोई लाभ नहीं है, मेयर साहिबा को यहाँ तक नहीं पता होता कि इनके नीचे बैठे हुए अधिकारी जो है ना, वो पार्षदों के साइन करके बिल पास कर देते हैं, पेमेंटें पास कर देते हैं, इनको तब नहीं पता होता। रात के समय में टेंडर पास करके यहाँ से चले जाते हैं अधिकारी रातों रात। ये गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप है। माइकल जी आप कह रहे हैं कि पार्षद और मेयर के साइन खुद किए जाते हैं। मेयर के नहीं तो पार्षदों के साइन होके तो मामला उठाता ही नहीं कि सदन में, इनको नहीं पता क्या गुड़गांव में इन्होंने इनके सामने मामला उठाया, इनको पता ही नहीं है कि क्या क्या हो रहा है गुड़गांव। मैं जवाब दे रहा हूँ थोड़ा देर है। हाँ मधु जी, ये उठ गया था मामला क्योंकि मेरे सामने आया था, मेरे पार्षदों ने शिकायत की थी मुझसे कि इस तरीके से हमारे साइन नकली साइन करके जो पेमेंट हो रही थी, और उस समय उनको सस्पेंड किया गया था और हटाया भी गया था। तो मधु जी इतनी बातों से क्या अभी तक ये समझा जाए कि निचले अधिकारी से लेकर और ऊपर अधिकारी तक सब तक कुछ ना कुछ शेयर पहुंच रहा था और मेयर को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं इतना समझ लूं? नहीं देखो जानकारी तो नहीं है, मगर ये है ना कि जिस तरीके से ये चीजें हुई है, जब पब्लिक के साथ में हो रही है तो पब्लिक को एक व्यक्ति भी आके उसने मेरे से कंसल्ट नहीं किया कि भी ऐसा हो रहा है। मुझे तो अखबारों के थ्रू पता चल रहा है और मीडिया के थ्रू पता चल रहा है, जब मीडिया उनसे पूछती है तो उन दुकानों के ही जो स्टेक हो आहूजा जी से इसमें स्पष्टीकरण मांगा कि ये क्या कर रहे हो, ये कैसे हो रहा है। उन्होंने स्पष्टीकरण की विजिलेंस कमेटी बैठी हुई है मैडम, और रिपोर्ट आने के बाद में आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। कमाल बात है, मतलब जांच भी चली ठीक है, जांच भी। शुक्रिया मधु जी आपका जुड़ने के लिए। मैं बबलू जी के पास आ रहा हूँ। बबलू जी उनका कहना है कि मेयर तक कंप्लेंट पहुंची नहीं है। सर ऐसा है, मेयर साहिबा सीट पे बैठेंगी जब तो बातों का पता लगेगा, जब सीट पे मैं ही नहीं बैठूंगा तो बात का कैसे पता लगेगा। एक बात और बताना चाह रहा था मैं आपको, मेरा बेटा गया जेटीओ के पास जी, गुलशन सलूजा नाम है उनका, 10 चक्कर लगा लिए हम, 3 महीने से चक्कर लगा रहे हैं सर, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, हमारा नंबर आ गया, हमारी रजिस्ट्री कराओ। वो क्या कहते हैं, अगर अब की बार आ गए तो मुकदमा दर्ज करा दूंगा। किस चीज का मुकदमा दर्ज करा देंगे वो हमारे ऊपर? क्यों कहते हैं वो ये बात, किस चीज के लिए कह रहे हैं? हम कोई गुंडे बदमाश है? इन्होंने अंधेर गर्दी मचा रखी है, बिगर रिश्वत के निगम में कोई काम नहीं होता, करोड़ों रुपए के घपले होते हैं, अरबों रुपए के घपले होते हैं। नहीं ये गुलशन सलूजा जी आपको ये बात क्यों कह रहे हैं कि इस बार आए तो मुकदमा दर्ज करा दूंगा, इनका क्या हित है? मेरा बेटा तीसरे चौथे दिन जाता है, सर 3 महीने हो गए, ये स्टाम्प पेपर खत्म हो जाएंगे, आप हमारी रजिस्ट्री करा दो, मेरे फादर की तबीयत खराब रहती है। कहता है गुस्से में आपकी बार आ गए तो मुकदमा दर्ज करा दूंगा, कुदरती मैं बीमार था, नहीं तो मैं उससे पूछा करता, करा भी मुकदमा दर्ज किस चीज का कराएगा? और ए से लेके जेड तक पैसे सब में बटते हैं, एक कमिश्नर साहब शरीफ है, खट्टर साहब शरीफ है, और तो शरीफ नहीं है। एक लेंटर के 2.5 लाख रुपए का रेट है इनका, एक रजिस्ट्री का 2.5 लाख रुपए का रेट है, और एक वो प्रॉपर्टी की आईडी लेनी हो तो उसका रेट 15,000 रुपए है। अननोन आदमी बन के जाए, एमएलए साहब की ड्यूटी बनती है वहां पे जाए, कोई नहीं जाता, सबको सीट पे माल चाहिए। केशव जी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैं जनता के सामने रखना चाहता हूँ। एक घमंडन सराय है, शायद मेरे साथी वक्ता साथी भी नहीं जानते होंगे, और बहुत बहुत कम बड़े कम बुद्धिमान लोग भी इस विषय को जानते होंगे कि गुड़गांव में घमंडन सराय भी एक जगह है, जैसे कमन सराय है ऐसे घमंडन सराय भी है। न्यू कॉलोनी मोड़ के सामने भी कुछ नगर निगम की जमीने हैं, जिला परिषद की जमीने हैं, और ये घमंडन सराय जो है ये मस्जिद के सामने वाला जो ट्रंक मार्केट जिसे बोला जाता है सदर बाजार के पास, ये घमंडन सराय है और ये जिला परिषद के अंडर आता है। इस जिला परिषद के क्षेत्र में भी रईसियां उन दुकानों की गई है ऐसा सुनने में आया है। मैं जांच चाहता हूं जिसके विषय में जिला परिषद ने भी नगर निगम से पूछा है कि हमारी जमीनें कहां है, और अगर उनकी रजिस्ट्री हुई है तो किस आधार पे हुई है। ठीक है सर। मैं बत्रा साहब के पास आता हूं। बत्रा साहब एक बार कंप्लीट कीजिए जरा, क्योंकि मामला जितना छोटा दिख रहा है उतना छोटा है नहीं, करोड़ों का मामला है। और सबसे बड़ी बात, सीधी उंगली जो है वो सरकार की तरफ जा रही है कि मॉनिटरिंग कहां है सरकार की। देखिए आप अभी हमारे साथी, हमारे बड़े अच्छे हमारे साथी हैं बबलू जी, और बड़े समझदार इंसान हैं, उन्होंने एक बार फिर कही दोबारा कि मुख्यमंत्री ईमानदार है, निगम कमिश्नर ईमानदार है, उसके नीचे के अधिकारी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट सभी से करना चाहता हूँ, गुरुग्राम की जनता को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी के पास भी कोई तथ्य हो तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई होगी। और अपने माइकल ये बात बता रहे थे कि जिला परिषद की जमीन है या दूसरी जमीनें हैं, तो उनपे भी ये रिटर्न में जो भी इन्होंने शिकायत की हुई है
और उन पे भी कार्रवाई होगी। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, किसी अधिकारी ने कोई गलत काम किया है या किसी और ने भी गलत काम किया है तो उन सब पे कार्रवाई मैं एक रिएक्शन सबसे ले लूं फिर माइकल जी आऊंगा आपके पास। मैं एक बार सुखबीर जी के पास आ रहा हूं, खटाना साहब, फिर आपके पास आता हूं। सुखबीर जी, केशव जी, जिस प्रकार से अभी मेयर साहब कह रही थी कि आउटसोर्सिंग पे हैं अधिकारी, मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से, ये सारी सरकारी आउटसोर्सिंग पे चल रही है, इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा मैं कहना यह भी चाहता हूं, जिस प्रकार की ईमानदारी की सारी बातें हुई, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने बात करी, मेयर साहिबा ने बात करी, और जो माइकल सैनी साहब ने बात करी, और जो दूसरे हमारे साथी इन्होंने बात करी, देखिए निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार बहुत बड़ा विषय है गुड़गांव में, और हमें भूलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार के सरकार के संरक्षण में कोविड काल में जो शराब का घोटाला हुआ, L1 से शराब चोरी करके थानों के मालखानों से समस्त हरियाणा प्रदेश से सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार बेची गई, बाद में वो बिना जाड़ दांत की CT की कोई रिपोर्ट आ गई आज तक, 2 साल होने वाले हैं, ये ऐसे ऐसे काम यहाँ हुए हैं। इसके अलावा जो रजिस्ट्रियों का घोटाला था उसका भी सबसे ज्यादा प्रभाव यही गुड़गांव में था, और जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया था उनको रिइंस्टेट करके उससे भी ज्यादा मलाईदार जगह पे लगा दिया ये, और मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी, ये सारी बातें जो कह रहे हैं ये सिर्फ आईवास है। आप देखें HPSC में जिस प्रकार से ऐसे अधिकारी करोड़ों रुपए के वारे नारे कर रहा था इनकी नाक के नीचे, ये सब हवा हवाई बातें, इनका कोई मतलब नहीं है, इनको तो सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी चाहिए। निश्चित तौर पे सोमनाथ का अड्डा समझ लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और बेदर्दी से हरियाणा प्रदेश को और खासतौर पर गुड़गांव को जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, जिस प्रकार के शिकायत है वो प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तवर साहब, जो शिकायतकर्ता हैं, जो मेन स्टेक होल्डर है, वो कह रहे हैं कि भाई जो कमिश्नर साहब है वो ईमानदार है, कुछ नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर भी वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो यही मेरा टॉपिक भी आज का कि करे कोई भरे कोई, कर्ता अधिकारी है, ठीकरा फूटता है सरकारों के ऊपर, और केवल एक सरकार की बात नहीं है ये, चाहे किसी की भी सरकार हो। केशव जी, नाम चाहे जो मर्जी ले, हमें तो ये बताएं कि ये कारवा लूट क्यों रहा है अगर ये ईमानदार है तो, जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? ठीक है, ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। मैं बत्रा जी से जवाब, मैं बत्रा जी से जवाब लेता हूं फटाफट, फिर खटाना साहब के पास आता हूं। बत्रा जी, सवाल है तवर साहब का कि कारवा अगर लूट रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, निश्चित है कि जिम्मेदारी तो हरियाणा की बहुत सी बनती है, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री की बनती है, लेकिन जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी, हर इंसान उसके अंदर सहयोग नहीं करेगा तो उनको कैसे पता लगेगा कि ये काम हो रहे हैं? जो जो चीजें सामने आती हैं, जो जो बातें सामने आती हैं, उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है, चाहे किसी भी रूप के अंदर हो। आपने शिकायत दी, माननीय हमारे बबलू जी कह रहे हैं कि शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ईमानदार है, कमिश्नर साहब ईमानदार है, इससे बड़ा क्या होगा? पक्ष में विपक्ष, बबलू जी की और भी बातें तो सुनिए सर। अरे बबलू जी के आरोप तो सुन लीजिए, पहले आरोप तो सुन लो, अगर इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया तो फिर इनके आरोप बुनियाद हो गए। सर, मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज होना चाहिए, गुलशन अगर वो मान रहे हैं, लेकिन आप तथ्य भी तो रख रहे हैं बत्रा साहब। उनका उनका ये कहना है कि वो शिकायत लेने के लिए अधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी कहते हैं मुकदमा दर्ज करा दूंगा तुम्हारे ऊपर। हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? मतलब आम आदमी को अधिकारी धमकाए और आप कह रहे हैं कि आम आदमी हमारे पास आए, कैसे आएगा सर? ऐसा अगर किसी अधिकारी ने कुछ कहा है तो बिल्कुल गलत कहा है, उनके खिलाफ अगर ऐसा किसी अधिकारी ने कुछ कहा है, ठीक है सर। मैं खटाना साहब के पास आ रहा हूँ, मनीष खटाना जी। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मौजूदा पार्षद और पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर, और जो बबलू जी ने एक बात कही कि जी कमिश्नर साहब ईमानदार हैं या मुख्यमंत्री जी की छवि ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री पिछले 8 साल में, जिसका हर हफ्ते या हर चौथे दिन गुड़गांव में जिसका गाड़ी का पहिया रुकता हो, जो सारे अधिकारियों से रूबरू होता हो, और जो पूरा हरियाणा को गुड़गांव चलाता हो, जहां पर आप अपना कार्यालय बनाने में तो सिर्फ 7 महीने लगाते हैं और हॉस्पिटल बनने में सालों लगते हैं, जहां पर यह बात क्लियर है कि प्रॉपर्टी आईडी के लिए 15,000, लेंटर के लिए 2.5 लाख, रजिस्ट्रियों के लिए 2.5 लाख,
और बबलू जी एक बात पन्ना खोल के बार बार दिखा रहे हैं कि मैंने स्टाम्प पेपर लेने के बाद भी अधिकारी ये कहते हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। ये उनके खिलाफ कह जा रहे हैं जो निगम कार्यालय की जड़ में रहते हैं, व्यापार मंडल के प्रधान हैं, सदर बाजार के एक अच्छे व्यक्तित्व में जिनकी गिनती होती है, और उसके बावजूद जब एक सदर बाजार के व्यापारी को, व्यापार मंडल के अध्यक्ष को और कागजों के साथ जब ये धमकाया जाता है कि मुकदमा दर्ज कर देंगे तो उनकी मजबूरी है जी खट्टर साहब, और वो ठीक है अगलों के कल मुकदमा दर्ज हो जाएगा इनके खिलाफ बोलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वालों के लिए सिर्फ देशद्रोह का मुकदमा इस सरकार ने दर्ज कराए हैं, ये इतिहास बचा रहा है। 70 साल में जितने मुकदमे दर्ज नहीं हुए उतने 8 साल में दर्ज करे हैं जो इनके खिलाफ। जो सबसे बड़ी बात, अभी एक छोटा सा अधिकारी गुड़गांव में पीला पंजा लेके घूम रहा था, जिस गरीब ने लेंटर डाला उसका लेंटर तोड़ा गया आधे। पहली बात तो 100 रुपए लीटर इस डीजल इस सरकार ने किया, कमाई के लिए 2 रुपए का कोई साधन नहीं छोड़ा, और उसके बाद लोगों के घर तोड़ने के काम करा, और लोगों और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी केशव जी एक मिनट मुद्दे पर रहेंगे सर, मैं एक मिनट। और जो भ्रष्टाचार की जो भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते थे तो भय अधिकारी दिखा रहे हैं और भ्रष्टाचार सरकार कर रही है। जो ये ठगबंधन की सरकार लोगों के हितों को ठगोकर ठक्कर ठगबंधन की सरकार यहाँ चल रही है कोरोना काल से लेकर, सुबीर भाई ने बताया, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे माइनिंग घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, ऐसा। और जो मेरे भाई कह रहे हैं कि जांच हो रही है, SIT हो रही है, आज तक 8 साल में कौन सी जांच में किसको लिप्त पाया गया और उसका क्या हुआ? बत्रा साहब जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बाद में भी बहुत आपके सामने निकल के आई फाइल है, आज तक उनका ही कुछ नहीं हुआ। ठीक है मनीष जी, बत्रा साहब हमारे छोटे भाई है मेरे, और ये अपनी बात रख रहे थे, लेकिन इनको ये याद होना चाहिए कि अभी इतना बड़ा एक हाईलाइट मामला हुआ फरीदाबाद के अंदर, 200 करोड़ रुपए का नगर निगम के अंदर जो घोटाला, उसके अंदर जो जो दोषी पाया गया, चीफ इंजीनियर से लेकर जो जो अधिकारी, जो जो लोग बीच में आ रहे हैं, वहाँ पे जांच जो है, बत्रा साहब वहाँ पर जांच जो है स्टेट विजिलेंस कर रही है, न कि सीएम फ्लाइंग और ना कि स्थानीय प्रशासन। जनाब आप ईमानदार सरकार का दम भरते, मेरा आपसे एक सवाल है, ये रेनकोट पॉलिटिक्स कर रही खट्टर सरकार, रेनकोट पॉलिटिक्स खुद को ईमानदार बता के नीचे सरकार में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको एक बात का जवाब दे दीजिए। अगर आपकी सरकार, सुनिए आप, जब आप हरियाणा न्यूज चैनल पर STV हरियाणा न्यूज चैनल पर आप ये बात बताइए, एक भरोसा दीजिए, आप इस सरकार को ईमानदारी का दम भरते हैं तो मेरी मांग, मैं आपसे भी मांग करता हूँ, आप अपनी सरकार से मांग कीजिए इसमें स्टेट विजिलेंस इन तीन नामों को, सिर्फ तीन नामों को, मानव, नितिन और संदीप ड्राइवर, इन तीनों को स्टेट विजिलेंस अरेस्ट कर ले और दूध का दूध पानी का पानी करा के दिखा दे। माइकल जी ऐसे नहीं होता, जैसा आप कह रहे थे अरेस्ट कर ले, एक कानूनी प्रक्रिया इस चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो 2% अरेस्ट होगा। सर आप फिर ईमानदारी का दम कैसे भर रहे हैं, आप बताइए कैसे पहुंचेंगे जांच तक? ठीक है पहले जवाब ले लूं मैं माइकल जी, फिर वापस आ जाऊंगा आपके पास। तत्वों तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, तत्वों के साथ ही तो किसी को अरेस्ट किया जाएगा, विदाउट तत्व तो किसी को कैसे अरेस्ट किया जा सकता है? ये शिकायतें हैं, ये मानव ने कंप्लेंट दे रखी है, 21/6 को कंप्लेंट दी है, मानव ने अपनी जान को खतरा बताया है, इन कर्मचारियों ने जो आउटसोर्स पर लगे हुए थे, इन आउटसोर्स वालों को आगे करके आपके बड़े अधिकारी रिश्वत मांगते हैं, आप कहते हैं सबूत के आधार पर कार्रवाई करेंगे, कहां से आएगा सबूत? ये आउटसोर्स वाले आपने डेट एंड बर्थ पे लगा दिए, एक को आपने यादराम जोया जी के ऑफिस में लगा दिया, क्या मतलब है किस आधार पे लगा दिया? मैं जवाब ले रहा हूँ कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं। बत्रा साहब मैं मानता हूं आपकी बात, मैं आ रहा हूं साहब, मैं एक सवाल ले लूं उनसे, मैं सवाल ले लेता हूं ना, मैं माइकल जी का सवाल थोड़ा सा आसान कर देता हूं। बत्रा साहब एक सेकंड सर, उनका ये कहना है कि भाई आप कह रहे हैं जो भी सबूत मिलेंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, अब आउटसोर्स का कोई कर्मचारी जो है वो पैसे ले रहा है, और वो भी हो सकता है डायरेक्ट ना ले रहा हो, एक साइकिल बना रखी है उन लोगों ने, अब आउटसोर्स का कर्मचारी अगर पैसे ले रहा है वो भी 15-15 लाख रुपए सर, तो आप खुद सोचिए ड्राइवर के साथ एक MTS स्टाफ का आदमी, कंप्यूटर क्लैरिकल पोस्ट का आदमी 15 लाख रुपए लेने की हिम्मत कहां से जुटा रहा है, और सबूत आप मांग रहे हैं तो सबूत कौन लेकर के आएगा? आपने एक बात कही कि वो ले रहा है या नहीं ले रहा, अभी तो इस वक्त वाली स्थिति में ये प्रॉमिस है इस चैनल के माध्यम से, अगर वो स्टेट विजिलेंस या हमारी पुलिस ने या हमारे कमिश्नर जो MTG इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर उनके अंदर दोषी पाया जाएगा तो तुरंत प्रभाव को उसको अरेस्ट कराया जाएगा, तुरंत प्रभाव को पकड़ा जाएगा। एक सेकंड, एक करके मैं गुप्ता जी के पास आ रहा हूँ, अभी मैं बबलू जी के पास आ रहा हूँ, फिर आऊंगा। बबलू जी, बत्रा जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए बबलू जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है,
उसके लिए विजिलेंस इंक्वायरी। दूसरी बात, आप शहर के मौजूद आदमी, आप डिप्टी मेयर भी रहे हैं, एक एक जेई ने पांच पांच लड़के रखे हुए हैं हर मोहल्ले में, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनी है चाहे ऑथराइज कॉलोनी है। अगर पैसे दे दिए तो बिल्डिंग बना लो, अगर नहीं दिए तो नोटिस, नोटिस के बाद सील। क्या आपको ये बात नहीं पता? आप सीएम साहब के, एक सेकंड पूरी बात होने दो, आप सीएम साहब के सबसे नजदीक हो, क्या आपको सीएम साहब के पास ये बात नहीं पहुंचानी चाहिए? एक एक जेई ने पांच पांच लड़के रखे हुए हैं। देखिए अब बात, आप जो बात कहना चाह रहे हो, हर चीज का ना, हर बात का एक संविधानिक रूप, एक संविधान के तहत हम सब बने हुए हैं, हर आदमी संविधानिक रूप में बना हुआ है। अब आपने कंप्लेंट की, अब उस कंप्लेंट पे कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि शिकायतकर्ता चाहता ही नहीं जो कुछ वहाँ हो रहा है, और जिस तरीके से वहाँ होने लग रहा था, शिकायतकर्ता ने रिटर्न में कंप्लेंट की। अगर किसी और, लास्ट बात सुन लो, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, मैं भी कह रहा हूँ बनिए का बेटा हूँ, कुछ नहीं होना। बत्रा साहब चैलेंज है, आप बबलू जी बिल्कुल आप अपनी जगह, आपने शिकायत करी है, आपका बिल्कुल, आपने अपनी तरह से अपनी रिटर्न में कंप्लेंट कर, हमारे को धमकी दी जाती है, आम आदमी का क्या हाल करते होंगे निगम वाले। ठीक है तवर साहब, केशव जी जो अभी बत्रा साहब बात कर रहे हैं, हर बात में कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, मैं पुनः ये पूछना चाहता हूँ, जो शराब घोटाले में और रजिस्ट्री घोटाले में जो जांच हुई थी, उन जांच में क्या निकला, इस प्रदेश की जनता आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहती है। मेरा विषय से भटक रहा है, भटकने की बात नहीं है, यही विषय है, ये तो छोटा मामला है, वो तो बहुत बड़ा मामला है। नोटिस में ऊपर से नीचे तक जांच हुई है, उस जांच का नतीजा बता दें, अगर कोई अरेस्ट हुआ तो बता दो जिनकी जिम्मेदारी थी, और जो तहसीलदार निलंबित किए वो रीइंस्टेट करके उससे अच्छी जगह नहीं लगाया, तो मैं लिस्ट देता हूँ सबकी। केशव जी ये सिर्फ ठीक है, मैं दो तीन सवाल कर लूं, मैं दो तीन सवाल कर लूं बत्रा साहब से, बत्रा साहब से दो तीन सवाल कर लूं। बत्रा साहब मेरा सवाल है कि जिस आउटसोर्स कर्मचारी सुनील पर आरोप लग रहे हैं उसके नगर निगम के दूसरे विभाग में शिफ्ट कर दिया गया, सवाल नंबर एक, कि जब आरोप लग रहे हैं तो बिना आरोप सिद्ध किए दूसरे विभाग में शिफ्ट भी क्यों किया? अगर पाक साफ ही था, जांच ही नहीं हुई थी, तो उसकी चेयर और टेबल वहीं रहनी चाहिए थी, शिफ्ट क्यों किया? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। बत्रा साहब जी देखिए, अभी एक हर चीज की फिर मैं वही बात कहूंगा, आपने शिकायत करी और बस प्राइमरी उनकी शिकायत आई, उनके ऊपर कार्रवाई करने की आराम सर ले रहा हूं, सबके सवाल लूंगा। अब नहीं आई, बत्रा साहब ये जो एक विभाग से दूसरे विभाग में डाला गया, इसमें कौन सी कानूनी प्रक्रिया लगी, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। देखिए एक तो ऑफिशियल, देखिए ये एक इंटरनल हर चीज का, एक डिपार्टमेंट का इंटरनल मामले होते हैं, इंटरनल मामला है। दोषी पाया जाए तो मैं आज आप केशव जी एक सेकंड सर कह रहा हूँ कि तुरंत प्रभाव से उसको आउटसोर्स। ठीक है, दूसरा जिस ZTO की सबसे बड़ी मिलीभगत इसमें बताई जा रही है, जो जोनल टैक्सेशन ऑफिसर था उन्होंने अपना तबादला जो है वो उसमें निगम को ही चेंज कर लिया, मतलब गुरुग्राम नगर निगम से अब वो साहब फरीदाबाद नगर निगम में चले गए हैं, तो मतलब निगम का भी इंक्लूजन कहीं ना कहीं तो है इस चीज के अंदर। देखिए अगर वो कहीं चला जाए, हिंदुस्तान के किसी कोने में चला जाए, वो दोषी है तो उसको कोई छोड़ेगा नहीं, कोई बख्शेगा नहीं, और तुरंत उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन वहां तक आप हमें पहुंचने दो, उस इन्वेस्टिगेशन को वहां तक पहुंचने दो, वो किसी कोने में चला जाए, हिंदुस्तान के किसी कोने में चला जाए, बचेगा नहीं, वो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। तीसरा भी सवाल ऐसा ही है, हो सकता है उसमें भी जवाब आप ऐसा ही कुछ दें, जो तीसरे अधिकारी हैं जो कि जॉइंट कमिश्नर हैं, उन्होंने अपना तबादला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में एस्टेट ऑफिसर 2 में करवा लिया है। देखिए फिर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने ट्रांसफर वो खुद नहीं कराते, ये तो गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, किसी को कहीं ट्रांसफर करते, किसी को कहीं ट्रांसफर कर दो, अगर किसी की इस तरीके की शिकायतें आ रही है, इस तरीके की बातें आ रही है, तो उसको कहीं से कहीं। बत्रा साहब चुनावी रैलियों में ये बात बोली जा सकती है, लेकिन एक ऐसा पैनल जब बैठा हो जो कि प्रशासन को बहुत अच्छे तरीके से जाने, तो उनके सामने इस तरह की बात थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि ये अंदर का मामला है। तबादले कैसे होते हैं किसी भी सरकार में, किसी भी राज्य के अंदर, सब जानते हैं सर। देखिए बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी उसके अंदर, मैं किसी को दोषी करा दूं या आप किसी को दोषी करा दो वो गलत है, लेकिन हाँ ये पक्का है कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, जैसे जिस तरीके की बातें हमारे बबलू भाई बता रहे हैं, जिस तरीके से बात हो रही है, अगर उनको इन्वेस्टिगेशन के अंदर पाया गया तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ अरेस्टिंग भी होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
बत्रा साहब, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? क्योंकि जो कमिश्नर साहब है वो कह रहे हैं कि 7-8 दिन के अंदर रिजल्ट इसका आएगा। मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं, आप भी जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, बड़े संवैधानिक पदों पर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, उसकी डायरेक्शन क्या है? दो तीन दिन में आ जाएगी इन्वेस्टिगेशन, और एक दिन लेट हो सकती है, इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके का मुद्दा बना हुआ है और ये सीएम साहब के संज्ञान में है और वो उस पर नजर रखे हुए हैं, तुरंत उनकी जिस दिन भी ये सारी चीजें आ जाएंगी और उन तक पहुंचेगी, तुरंत कार्रवाई होगी उनके ऊपर। तो जांच अभी चल रही है मतलब? जी बिल्कुल, 3-4 दिन में आपके सामने, सबके सामने सारी बातें आ जाएंगी। 3-4 दिन में, ठीक है। मैं मनीष जी के पास आ रहा हूँ, फिर मैं आगे आऊंगा। जी मनीष जी, केशव जी देखो कैसी विडंबना है, जो अधिकारी जांच के घेरे में है, शक के दायरे में है, उसका तबादला गुड़गांव नगर निगम से बदलकर स्टेट ऑफिसर टू गुड़गांव लगाया जाता है। मतलब दो एक मलाईदार सीट से उठाकर दूसरी मलाईदार सीट पर जो अधिकारी जांच के दायरे में है, शक के घेरे में है, और जो सीएम साहब की नॉलेज में है, मतलब खट्टर साहब की नॉलेज में होने के बाद गुड़गांव जो 66% रिवेन्यू हरियाणा को देता है, हरियाणा को चलाने का काम करता है, जहां खट्टर साहब की गाड़ी का पहिया हर चौथे दिन आके रुकता है, वहां जो अधिकारी जांच के घेरे में आता है, शक के दायरे में आता है, उसके बाद भी उस अधिकारी का तबादला सिरसा हिसार या कहीं उसको लाइन हाजिर ना करके उसको एक और मलाईदार, तो उसका कितना रसूख है, ये एक सोचने का विषय है। और जो मेरे भाई संवैधानिक बात कर रहे हैं, जो तो ये कौन सा संवैधानिक अधिकार है कि जिस तरीके से भाई बता रहे हैं कि जय 5-5 लड़कों को शहरों में घुमाकर अवैध वसूली कर रहे हैं गरीब लोगों से, कोई 50 गज का मकान बना रहा है, कोई 100 का बना रहा है, अरे कोई अगर मकान बना रहा है तो अपने लिए छत ही तो बना रहा है, अपने गुजारा बसर करने के लिए दो रोटी का रोजगार ही तो बना रहा है, सरकार से कोई लूट डकैती तो नहीं कर रहा। ऐसे व्यक्ति पे जहां आपने गुड़गांव में बिजली का कर, हाउस टैक्स, पानी का बगैर, जहां आप लोगों पे पिछले 8 साल से सिर्फ कर का बोझ लगा रहे हो, आमदनी उनकी घटा रहे हो, रोजगार जहां से हरियाणा से पलायन कर रहे हैं, निवेश के नाम पर जहां 1 रुपया हरियाणा में नहीं आया, वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक बात करके SIT गठित कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं, और जहां पर मैं फिर दोबारा वो बात कह रहा हूं, जो एक बात ईमानदारी की, भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की जो लोग बात करते थे, भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। कोई थाना, तहसील, बिजली घर, कोई ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है जहां बिना पैसे के काम होता हो, और ये तो वो लोग हैं जो लोग कागज लेके तो सबकी सरकारों में रहा है, कोई अभी से चालू हो गया ऐसा थोड़ी ना है। नहीं नहीं, सब बबलू जी तो पुराने व्यापारी हैं, बबलू जी बता देंगे रेट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्रोसेस तो वही है। ये बात तो आप नहीं नहीं, ये बात तो आप भी मान रहे हो कि रेट नहीं, आदमी की आमदनी तो घटा दी। आप कोई विपक्ष में बैठा है तो सरकार को घेर ले बेशक से, तो केशव जी एक बात बताइए, ये क्या जरूरी है कि जो भूतकाल में हुआ वो वर्तमान में भी होगा, भविष्य में भी होगा? नहीं तो उसी चीज को रोकने के लिए तो विपक्ष है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर जनता ने कहीं विपक्ष में बैठने के बाद ये बात क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी, मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट लेने वाले लोग, जो सिर्फ लूट, झूठ और फूट की सरकार चलाई है, लूटते हरियाणा वासियों को, फूट भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, और झूठ जो इनके जुमले थे, तो लूट फूट और झूठ की यह सरकार है। इसके अलावा 8 साल में चलिए अगर कोई एक काम इन सरकार ने करा है तो बता दे। बबलू जी के पास में आ रहा हूं। सर मैं बत्रा जी से एक बात कहना चाहूंगा, जिन व्यक्तियों ने पैसे दिए हैं उनकी रजिस्ट्रियां कैंसिल होनी चाहिए, और जो जुलमदार है, कसूरवार है, उनको सजा होनी चाहिए। ये आप हमें बबलू जी रोक रहा हूं एक बार में। गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर जी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। ये जो शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम के तहत मामला सामने आया है सर गुरुग्राम नगर निगम का, पहले तो मैं सम्मानजनक तरीके से पूछना चाहूंगा कि ये पूरा संज्ञान में है विषय आपके सर? है जी। इसमें कार्रवाई कहां तक चल रही है, क्योंकि शिकायत बहुत गंभीर है और मामला भी बहुत गंभीर है सुधीर जी? देखिए, जो भी शिकायत आई है वो हमारे संज्ञान में आई है, और ये मैं माने मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लेके आऊंगा, अगर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं आई होगी तो मैं कल ही इसको विषय को उठाने जा रहा हूँ वो, और काफी गंभीर विषय है वो आप ठीक कह रहे हैं, और ऐसे एक दो बार और भी आई हैं इस तरीके की शिकायत वो, लेकिन उसके ऊपर भी इंक्वायरी कराई गई थी, लेकिन मैं कुछ सरकार का बचाव नहीं कर रहा, और मैं इस विषय पे 2 या 3 दिन के बाद पूर्ण रूप से पूरा बोलूंगा। ठीक है, अगर जी जो कुछ निकल के आएगा तो। हाँ, नहीं निश्चित तौर पर। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि शिकायत कोई आज की नहीं है और कंप्लेंट्स भी कोई आज की नहीं है,
केवल निचले स्तर के मल्टीटास्क स्टाफ वाले एमटीएस स्टाफ के क्लरिकल पोस्ट के लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं? मैं मानता हूं ना, उसको तो निकाल दिया, खैर उसको तो नौकरी से निकाल दिया। नहीं, निकाला गया सर, डिपार्टमेंट चेंज हुआ है सिर्फ, डेथ डिपार्टमेंट वाले में डाल दिया गया, सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट में अब भी है वो। ना ना ना, वो तो छोड़ दी, उसको तो निकाल दिया ना, मुझे तो कमीशन ने ये कहा था कि निकाल दिया है। हमारे पास मुझे ये पता है, मेरे पास अंदरूनी जानकारी इस तरह की है कि केवल डिपार्टमेंट चेंज किया गया उनका। और ना 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 ना, मुझे पता, अगर आप इजाजत दें तो सैनी साहब बैठे हैं शिकायतकर्ता, वो वेरीफाई भी कर देंगे इस चीज को, मैं पूछ लेता हूं उनसे एक बार। नहीं कर, उनकी शिकायत जो है वो आप रहने दीजिए, मुझे जो कमिश्नर साहब ने कहा था उसको निकाल दिया है, वो अगर नहीं निकाला होगा तो वो मतलब इंक्वायरी करा रहे होंगे वो, लेकिन जो भी है वो दो चार पांच दिन के अंदर इसका खुलासा हो जाएगा। मैं एक चीज और आपके संज्ञान में डाल दूं, वैसे मैं मुझे लग रहा है कि आपकी संज्ञान में होगी कि मानव नाम का भी एक इसमें कर्मचारी था जिसे पहले भी बर्खास्त किया गया था, और दिनेश जो नई अधिकारी आए उन्होंने वापस मानव को रख लिया, और मुझे ये भी कंफर्म हो गया है अभी साथ साथ मेरी टीम कंफर्म कर रही है सुधीर जी कि उसको निकाला नहीं गया है सुनील। मानव तो वैसे ही नौकरी से निकला हुआ है, मैं जब सरकार में बना था, सरकार आई थी उसके दो तीन महीने के बाद ही मानव फ्री कर दिया था कॉरपोरेशन ने वो, और मानव अब भी है सर, मानव अब भी है, दिनेश जी ने उन्हें वापस बुलाया और मानव अब भी काम कर रहा है, यही तो हैरतअंगेज बात है सुधीर जी। वो अगर वो पैनल पे तो है नहीं भाई साहब, रोल पे तो है नहीं, लेकिन दिनेश जी ने अगर रखा हुआ है वो, तो दिनेश जी इसका खामियाजा भुगतेंगे, दिनेश जी भी खामियाजा भुगतेंगे, ठीक है। दूसरा सुनील कुमार भी मुझे वेरीफाई हो गया है कि वो अब भी है वहीं पर सीट पर, उन्हें निकाला नहीं गया सर, बर्खास्त नहीं किया गया है। अच्छा, मुझे ये बताया गया था तो उसको बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन मैं इस चीज को चेक करा लेता हूँ। तो सुधीर जी आपको भी कोई मिसगाइड कर रहा है क्या? नहीं, मेरे को तो कमीशन से बात हुई है, केशव जी एक छोटा सवाल, कमीशन साहब ने कहा था कि निकाल दिया है वो, लेकिन मैं फिर वेरीफाई कर लेता हूँ इस बात को। जी ठीक है विधायक जी, एक सेकंड सर, दूसरा सर, तवर साहब प्लीज, दूसरा सवाल मेरा ये है सर, मैं सम्मानजनक तरीके से पूछ रहा हूँ, कोई सवाल थोपे नहीं जा रहे हैं, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ सुधीर साहब, ये अधिकारियों के तबादले भी अचानक से कर दिए गए, इसका सुनील कुमार का डिपार्टमेंट शिफ्ट किया गया, दूसरा जो ZTO साहब थे उन्हें फरीदाबाद नगर निगम में डाल दिया गया, जो इसके अलावा और ऑफिसर थे उन्हें जॉइंट कमिश्नर का तबादला करके शहरी विकास प्राधिकरण में बना दिया गया अधिकारी, तो ये तबादले क्यों किए गए अचानक से? देखिए, तबादले करना तो रूटीन का मैटर है, लेकिन ये जो हाइप हो गया था मैटर, तो इस मैटर के अंदर बेटर होता है कि तबादले कर दिए जाए या सस्पेंड कर दिया जाए और इनकी इंक्वायरी हो जाए, अगर जेसी लगा रहता या कोई और अफसर लगा रहता और उसकी इंक्वायरी कराते तो ये कह देते आप लोग कि भी जेसी अभी भी कहां पे बैठा हुआ है, तो उनके तबादले कर देना या उनको निकाल देना या सस्पेंड कर देना, ये सरकार ने ठीक किया है ताकि फेयर इंक्वायरी हो सके। ठीक, मतलब तबादले जो है वो सरकार के संज्ञान में है सारे जो किए गए हैं और इसीलिए किए गए हैं, ठीक है। सुधीर जी क्या आप ये कंफर्म कर रहे हैं दोबारा कि सुनील को निकाल दिया गया है, आपको ऐसी जानकारियां दी गई है? मेरे को तो यही जानकारी है। आपको यही जानकारी है कि उन्हें निकाल दिया गया है? निकाल दिया गया है। ठीक है सुधीर जी, जांच दो तीन दिन में आप कह रहे हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि डायरेक्शन कैसी है जांच की, लोग कैसे भरोसा करें, क्योंकि हमारे साथ व्यापार मंडल के लोग भी बैठे हुए पैनल में, उनका ये कहना है कि जांच ठंडे बस्ते में चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। नहीं, ठंडे बस्ते में नहीं जाएगी। देखिए, आहूजा साहब बहुत सक्षम अधिकारी हैं वो, और वो जांच करा रहे हैं, और जांच जो है काफी दिन हो गए जांच को चलते हुए, और दो तीन दिन के अंदर मेरे ख्याल कंक्लूड भी हो जाएगी जांच, दो तीन दिन के अंदर कंक्लूड हो जाएगी। हाँ, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, रिकवरी किस तरह से करेंगे सर, क्योंकि रिवेन्यू लॉस तो सरकार का भी हुआ है और लोगों के जो पैसे गए वो तो गए हैं। लोगों के जो पैसे गए हैं अगर गए हैं वो, तो और रेवेन्यू लॉस हुआ है तो तो ये रिकवरी कराएंगे, उनकी जिम्मेदारी बनेगी अफसरों की, जिनकी अफसरों की जिस भी अफसर जिस भी ओहदे पे रहे होंगे वो, और जो पनिशमेंट दी जाएगी देनी होगी वो दी भी जाएगी। मेरे साथ बबलू गुप्ता जी हैं जो कि व्यापार मंडल के प्रधान हैं, उनका कहना है कि शिकायत लेके जब हम ZTO के पास जाते हैं तो ZTO साहब उल्टा हम ही पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते हैं। नहीं, ZTO तो अब तो जो है वो दूसरा लगा हुआ है मेरे ख्याल, गुलशन सलूजा की बात कर रहे हैं। गुलशन जी लगे हुए हैं और गुलशन जी अच्छे अधिकारी हैं मेरे संज्ञान में, और कोई संज्ञान में अगर मैटर मेरे आएगा तो गुलशन जी से बात करूंगा और गुलशन जी के
खिलाफ भी अगर आएगा कोई मैटर ऐसा साक्ष्य के साथ तो वो भी सस्पेंड होगा। विधायक जी हम ठीक है, थोड़ा सम्मान के साथ, सम्मान के साथ, सलीके के साथ सवाल आप कीजिएगा। बबलू जी बोलिए। विधायक जी हम भी सम्मान से लोगों का सम्मान करते हैं, बाजार के व्यापारी हैं, हम निगम में जाते हैं और हमारे को गुलशन सलूजा ये कहता है अगर अब की बार आए तो मुकदमा दर्ज करा दूंगा। ठीक है सुधीर जी, शिकायत में आपके बबलू जी की प्रत्यक्ष शिकायत है सर, ये आपको देश के सामने राज्य के सामने। मैं कल गुलशन जी से बात करूंगा इस विषय के ऊपर, वो और विषय पे बात करके बबलू जी को उत्तर भी दूंगा। आप आश्वस्त कर रहे हैं सर प्रदेश को कि पक्का इसकी जांच एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट तक पहुंचेगी और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी? पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, मैं अश्योर करता हूं। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर सुधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। माइकल जी आपके पास मैं आता हूं, एश्योरेंस दी जा रही है सभी के द्वारा कि कंक्लूसिव पॉइंट तक पूरी की पूरी जांच पहुंचेगी। मेरे पास समय की भी कमी है कि एक फाइनल कमेंट मैं सबसे ले रहा हूं, शुरुआत आपसे कर रहा हूं माइकल जी। देखिए सर मैं चाहता हूं कि हरियाणा सरकार इस मामले में स्टेट विजिलेंस को जांच सौंपे और निष्पक्ष इसकी जांच हो और जो ये रजिस्ट्रियां हुई है इन रजिस्ट्रियों की पूरी जांच करा ले या इनको कैंसिल कर दे तो जिन्होंने पैसे दिए वो सबके सामने आकर के वो बताएंगे कि हमने किस किस को पैसे दिए या फिर इन तीन जो कर्मचारियों के नाम है इनको स्टेट विजिलेंस जांच के दायरे में ले ले और उसी संवैधानिक तरीके से जिस प्रकार से यशपाल बत्रा जी पर्दा डालने का काम कर रहे थे उसी संवैधानिक तरीके से कानूनी प्रक्रिया जो इनकी निगम की है और इनकी भाजपा की सरकार में जो चलती आई है भ्रष्टाचार उससे रुका नहीं है जिससे उसी प्रक्रिया से वो जांच करा के देख ले। अगर स्टेट विजिलेंस ने जांच की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बत्रा साहब शिकायत करता हूं कि मांग ये स्टेट विजिलेंस इसमें जांच करे, रजिस्ट्री को कैंसिल कर दे, इस डायरेक्शन में सोचेंगे? देखिए बिल्कुल, अगर ये रिटर्न में एक कंप्लेंट करते हैं कि और लिख के देते हैं कि स्टेट विजिलेंस ही इंक्वायरी करे, ये मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि स्टेट विजिलेंस ही इंक्वायरी करेगी, नगर निगम अपने अपने उससे करेगा, दूसरी एजेंसी उससे करेगी, लेकिन स्टेट विजिलेंस जरूर इंक्वायरी करेगी। अगर उसके अंदर दोषी पाया जाएगा जो कानूनी तरीके से होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। अभी एक बात आप बार बार कर रहे थे कि मानव जॉब कर रहा है, मानव जॉब कर रहा, मानव वहां जॉब नहीं करना। और रही सुनील की बात, सुनील को चार महीने पहले ही कमीशन साहब ने उनको वहां से अपने आउटसोर्सिंग से निकाल दिया था। ठीक है, मानव को लेकर मुझे भी जानकारी आई है सर, अपडेटेड जानकारी मैं दर्शकों को भी बता दूं कि वो अभी जॉब नहीं कर रहा है, लेकिन सुनील को लेकर जानकारी इस तरह की वो अब भी है, केवल उसका काम बदला गया है, वो वहीं पर है। देखिए चार पांच महीने पहले उसको निकाल दिया था, सुनील और एक कोई और था, उन दोनों को ही बाहर कर दिया था और इन बिटवीन कुछ हुआ तो मुझे नहीं पता, लेकिन चार पांच महीने पहले जरूर लेटर था, मैंने देखा था, ये मेरे सोर्सेज की जानकारी है। ठीक है मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ एक बार। बबलू जी जो बात कह रहे हैं कि गुलशन सलूजा जी ने ऐसे कहा वैसा कहा, ये इस चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी बात हुई होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें इन बातों को पता करने दें, चेक करने दें, उसके बाद समय लगेगा। ठीक है बबलू जी फाइनल कमेंट जल्दी से। सर मैं तो ये कहना चाहूंगा इंक्वायरी होनी चाहिए, सबकी आवाज है, मेरे से पैसे नहीं मांगे गए तो मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई और वो रजिस्ट्री टेबल पे पड़ी हुई है, मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं तो ये कहूंगा जो सारे कह रहे हैं भाई सही कह रहे हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए। धन्यवाद। ठीक है मनीष कटाना जी, ये हरियाणा वासियों के लिए एक विडंबना और कैसा वो सरकार 8 साल से चल रही है कि रो रो कर त्राहिमाम चारों तरफ है और लोग इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं और रजिस्ट्रियां नहीं हो रही और अधिकारी सिर्फ और सिर्फ गोलमोल बात कर रहे हैं। इसके अलावा इस सरकार में पिछले 8 सालों में और जिस तरीके से भ्रष्टाचार एक के बाद एक उजागर हो रहे हैं, जिस तरीके से गुड़गांव नगर निगम एक बहुत बड़ा पैसे का जो अड्डा बना हुआ है, इस केस में कांग्रेस पार्टी क्या मांग करती है मनीष जी? नहीं बिल्कुल जांच होनी चाहिए, विजिलेंस जांच होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात मैं तो कह रहा हूं जांच तो हो, लेकिन जहां मुख्यमंत्री जी हर चौथे दिन गुड़गांव आते हैं और जो गुड़गांव पूरे हरियाणा को रिवेन्यू देने का काम करता है, ठीक है क्या वहां पर बिल्डोजर चलाना, लोगों के मकान तोड़ना, लोगों से हाउस टैक्स जबरन डबल वसूल करना, रजिस्ट्रियों के नाम पे पैसे लेना, क्या ये सरकार की संज्ञान में नहीं है? क्या ये मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में नहीं है? जवाब लूंगा मैं। तंवर साहब, केशव जी ना के सिर्फ गुड़गांव का विषय है, मैं आपको बताऊं हरियाणा भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा है, जयचंद चौहान उसके अध्यक्ष है, उन्होंने 10 साल के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के ऑडिट की बात करी थी, 1 साल हो गया आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके अलावा अंबाड़ा की अगर हम बात करें 800 से ज्यादा फाइल एनओसी की अटकी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के, मैं चाहो तो नाम भी बता सकता हूँ,
और ये प्रेस में भी आया मामला, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने विषय उठाया और वो एनओसी भी आज तक ऐसे कैसे पड़ी हुई है। इसके अलावा करनाल नगर निगम में 19 वीडियो पैसे के लेन देन के, और उसमें जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। भ्रष्टाचार की सीमा बता रहा हूं, रोहतक का जो नगर निगम की टैक्स ब्रांच है उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार, ये सारे मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए हुए विषय हैं। इस मामले में, इस मामले में क्या, इस मामले में क्या मांग है भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की पोषक है, इस मामले में क्या मांग कर रहे हैं आप भी? निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए, और इतना बड़ा मामला है मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। ठीक है, ये आपकी और हमारी अपेक्षाओं, ठीक है, और बत्रा साहब फाइनल कमेंट, इसमें पैसे का लेन देन है। बत्रा साहब फाइनल कमेंट। नहीं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए और बिल्कुल उसकी जांच हो भी रही है, और अब हमारे सबके मामला जब जिस तरीके से पब्लिक चाह रही है, समाज चाह रहा है, तो उस पर तुरंत प्रभाव से जल्दी कार्रवाई करें। ठीक है, एक बड़ी अपडेट भी आ रही है इस बीच, क्या कुछ बड़ी अपडेट है उसका भी सीधे रुख कर लेते हैं। आपको बताएं, हरियाणा न्यूज से गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार को नगर निगम से बर्खास्त कर दिया गया है। निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा ने मुझे जानकारी दी है, ऐसा सुधीर सिंगला ने कहा है। लेकिन खबरें और शिकायतें इस तरह की भी है कि आउटसोर्स कर्मचारी जो कि मुख्य आरोपित है सुनील कुमार, वो अब भी वहीं पर बना हुआ है। केवल उसकी जिम्मेदारी उसके पदों को बदला गया है, लेकिन सुधीर सिंगला जो कि विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। अपडेट है, तो गुरुग्राम नगर निगम से करोड़ों के भ्रष्टाचार का यह मामला सामने आया। हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से इस विषय को उठाया और सुधीर सिंगला से बातचीत जब हमने की तो उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार को नगर निगम ने बर्खास्त कर दिया है। चलिए, इस चर्चा में इतना ही। यशपाल बत्रा जी, मनीष खटाना जी, सुखबीर तंवर जी, बबलू जी, माइकल जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।